अब बस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुतों का कहना ये है कि आज के टाइम में जब 5G चल रहा है, सारे लोग 5G स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और 5G आने वाला भी है, तो यहाँ पे मोटरोला का क्या तुक बनता है कि वो एक 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर दे। और झूठ मूठ का मोटरोला का G72 में जबरदस्ती का बुराई निकालने पे लगे पड़े हुए हैं। हमको तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि 18,000 में सो कॉल्ड यूट्यूबर लोगों को और क्या ही चाहिए स्मार्टफोन में, जबरदस्ती का जो बुराई कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आता मेरे को। एनीवे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आपको मोटरोला का G72 को लेकर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कंफ्यूजन दूर होने वाला, क्योंकि यहां पे मैं आपको बताऊंगा मोटरोला G72 आपको क्यों लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। वीडियो पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आता है लाइक करके सपोर्ट कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे 5G को लेके ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने आपको कहा है ना कि ये 4G डिवाइस, आपको 4G डिवाइस नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। सबसे पहले चीज ये है कि जब 5G आएगा तो यहाँ पे 4G बंद नहीं होने वाला, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है Wi-Fi का यूज करते हैं, तो 5G का तो क्या बनता है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अभी 5G को आने में टाइम है, यहाँ पे कमिटमेंट तो कर दिया गया है कि 2023 तक कर दिया जाएगा, लेकिन अभी किया नहीं गया है। अब क्या प्रॉब्लम आएगा, क्या कंडीशन होगा, कब तक लॉन्च होगा प्रॉपरली, ये अभी नहीं पता है। तो सीधी सी बात है, ये आपके यूज पे डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे समय के लिए स्मार्टफोन को ले रहे हो, यानी कि 3 से 4 साल के लिए अगर ले रहे हो तो हो सकता है कि आप 5G चला सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका 4G बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जब 4G आता तो 3G बंद हो गया था, यहाँ पे 5G वाले केस में बिल्कुल भी इस टाइप का खेला नहीं होने वाला। तो बिंदास आप 4G डिवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई हमको एक 5G डिवाइस ही लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं आपको कैमरा में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं आपको कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो जहां पे आपको 5G मिलेगा वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ मोटरोला का G72, यहां पे आपको सारी सुविधा मिल जाएगी, जो चीज इसमें दी जा रही है, जो प्राइस में दी जा रही है, मेरे हिसाब से एक अच्छा डील हो सकता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि जो मोटरोला का G72 लॉन्च हुआ है, मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसका डिजाइन। डिजाइन जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी अपरंपार है, काफी स्लिक डिजाइन है और काफी खूबसूरत भी लग रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इतना पतला दुबला मोबाइल होने के बावजूद भी इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, और डब्बे के अंदर आपको 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया, एडेप्टर भी इन द बॉक्स आपको मिल जाता, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये आपको कोई भी नहीं बताने वाला है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे एडेप्टर भी दिया जा रहा है। यहाँ पे 60-70 हज़ार का मोबाइल खरीदेंगे और वहां पे आपको बोलेंगे अरे यार इसमें चार्जर नहीं दे रहे हैं। चलो फ्लेक्सिप है तो कंप्रोमाइज कर सकते, लेकिन आपको बजट वाले स्मार्टफोन में अगर आपको चार्जर प्रोवाइड किया जा रहा है तो कम से कम अप्रिशिएट तो करो मेरे भाई। बस इस पार्ट को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सीधे लफ्जों में आपको बता देता हूँ, जिनको एक पतला दुबला मोबाइल चाहिए, जिनको एक खूबसूरत मोबाइल चाहिए, यहाँ पे वो मोटरोला का G72 देख सकते हैं। एक यूनिक डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, काफी जबरदस्त देखने में लग रहा है। और गाइस जहां तक बात है परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे आपको MediaTek का G99 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, UMCP वाला स्टोरेज टाइप मिल जाएगा, LPDDR4X वाला रैम देखने को मिल जाएगा। अब UMCP वाला जो स्टोरेज टाइप है ये लगभग आपका 2.1 UFS टाइप का ही काम करता है, तो इतना आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसमें आप हेवी गेम्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें आप डे टू डे वाला जितना भी काम धंधा होता है वो आराम से इजिली कर लेंगे, और इसमें थोड़ा बहुत आप जो है गेमिंग वगैरह भी कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मुझे एक चीज लगता है कि अगर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता तो ज्यादा बेटर होता, मुझे जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर काफी ज्यादा पसंद आता। आपको कौन सा प्रोसेसर पसंद है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोटरोला G72 में आपको जो है यहाँ पे खेला आपका आराम से हो जाएगा, उतना टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया लेकिन ऐसा दे दिया गया है, वैसा नहीं दिया गया लेकिन ऐसा दे दिया गया, यानी कि आपको घुमा फिरा के कंफ्यूज कर देंगे और कहीं ना कहीं आपका डिसीजन में अड़चन ला देंगे। तो उतना कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है, आपका यूज क्या है, आपको क्या देखना है, आपका बजट क्या है, उस हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन चुनिएगा, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला आपको। अब इस डिस्प्ले में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी तरह कमी जो है यहाँ पे मोटरोला का G72 में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है मोटरोला का G72 में, यहाँ पे 6.6 इंच का फुल HD+ वाला डिस्प्ले दिया गया, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 10 बिट वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पे वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। OLED वाला डिस्प्ले है, जो पंचोला वाला यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया, जो कि काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है। यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे डिस्प्ले में कोई भी तरह कमी नहीं, और जो चीजें होनी चाहिए प्राइस के अकॉर्डिंग वो सारे चीजें जो है आपको डिस्प्ले में मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट भी दिया गया। कम ऐसे स्मार्टफोन है जो कि 20,000 के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है यहाँ पे दी गई इस फोन में, जैसे कि यहाँ पे आपको OLED वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, 10 बिट वाला डिस्प्ले मिलेगा, 120Hz का यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। कलर वगैरह भी जो OLED का काफी अच्छा था, तो डिस्प्ले को लेकर कोई भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होने वाला। डिस्प्ले काफी क्रिस्प है और काफी ज्यादा अच्छा और काफी मजे आ जाएगा। अगर आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो नेटफ्लिक्स देखिए, वाइड वन का भी सपोर्ट में दिया गया, लेकिन HDR सपोर्ट नहीं करता, ये चीज जरूर से ध्यान दीजिएगा। सपोर्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्मार्टफोन खराब हो गया, आप अपना यूज देखिए। आप HDR में अगर कंटेंट देखते हैं तो ठीक है आप मत लीजिए, लेकिन अगर वाइड वन L1 से आपका काम चल जाता है तो आप बिल्कुल ये स्मार्टफोन
को ले सकते हो। अब यहाँ पे जो कैमरा दिया गया वो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि मैक्सिमम मोटोरोला के डिवाइसेस में मुझे ये चीजें देखने को हमेशा मिलती है कि उसमें आपको नॉइज देखने को मिलेगा। तो अगर आपको नॉइज देखने को मिलता है मेरे भाई, तो ज्यादा घबराइएगा मत, यहाँ पे गूगल का कैमरा इंस्टॉल कर लीजिएगा, आराम से अपना खेला चला लीजिएगा। क्योंकि आप प्राइस के अकॉर्डिंग देखेगा तो बहुत सारी चीजें आपको मिल रही, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको यहाँ पे कैमरा भी जो है डिसेंट सा मिल जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा एकदम फ्लैगशिप वाला यहाँ पे आपका खेला होने वाला नहीं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे रियल चीज और फैक्ट चीज बता देता हूँ ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। जब आप मोबाइल को निकालिए डब्बे में से, फोटो क्लिक कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो यहाँ पे डिसेंट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो जाएगी, 1080p 30fps और 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप जो है इसमें कर सकते हैं। अब ये जो मोटोरोला G72 है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आपको 3.5mm का जैक का सपोर्ट मिल जाता है, डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट मिल जाता है, ड्यूल स्पीकर भी मिल जाएगा, IP52 का रेटिंग भी हर एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, यानी कि स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये ओवरऑल मैंने स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन को लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। सीधी बात नो बकवास में आपको बता देता हूं कि ये जो स्मार्टफोन का प्राइसिंग रखा गया 19,000 रुपए रखा गया, 6GB 128GB वाला वेरिएंट का। और अगर आप ऑफर वगैरह में लेते हैं तो 1,500 का डिस्काउंट वगैरह लगा के मान के चलिए जो है आपको 18,000 रुपए में मिल जाता है आराम से। अगर हम प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी स्पेसिफिकेशन को तुलना करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता जो प्राइस पॉइंट में आता है। यहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिलता, एक अच्छा डिजाइन मिलता, एक अच्छा बैटरी मिलता और एक अच्छा कैमरा भी मिलता, यानी कि डिसेंट कैमरा मिलता, बहुत अपरंपार नहीं। लेकिन ओवरऑल आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक काफी अच्छा डील आपको मिल जाता है मोटोरोला का G72 में। बेशक ये 5G डिवाइस नहीं, 4G डिवाइस है, लेकिन अगर आपको 5G ही चाहिए, आपको 5G ही यूज करना है, तो बिल्कुल आप स्मार्टफोन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप 4G से खुश है तो कहीं ना कहीं ये जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जो प्राइसिंग में लॉन्च हुआ है, कोई भी स्मार्टफोन आप निकाल के देखिएगा तो काफी अच्छा डील आपको ये वाला स्मार्टफोन में मिल जाएगा। अगर आप गेमर है और हार्डकोर गेमिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन से थोड़ा सा दूर रहिएगा, लेकिन अगर आपको ओवरऑल एक अच्छा डिजाइन वाला फोन चाहिए जिसमें आपके सारे काम वगैरह हो जाए, थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह भी खींच ले, लेकिन ओवरऑल अगर आपको एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए अच्छे प्राइस रेंज में, तो कहीं ना कहीं मोटोरोला G72 अच्छा डील हो सकता आप लोग के लिए। आप क्या सोचते हैं मोटोरोला G72 के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूं, रिप्लाई भी करता हूं। फिलहाल मैं मिलूंगा और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, ठीक है।